नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। केरल के बाद गोवा और महाराष्ट्र में पाया गया कोविड JN1 वेरिएंट, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सतर्क रहने की जरूरत। पंजाब के राज्यपाल ने सीएम मान को दी अंतिम चेतावनी, कहा पत्रों का जवाब दो नहीं तो लगा दिया जाएगा राष्ट्रपति शासन। खून का घूंट पीता हूं मैं, हवन में आहुति दे दूंगा, मिमिक्री पर जगदीप धनखड़ बोले मेरी जाति का अपमान। हादसे के 38 दिन बाद फिर शुरू हुआ निर्माण कार्य, 480 मीटर और बननी है सुरंग। केरल तमिलनाडु के बाद इंदौर में कोरोना की दस्तक, उत्तर प्रदेश बिहार से लेकर झारखंड तक अलर्ट। कोरोना को लेकर सतर्क रहे, घबराने की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की हाई लेवल मीटिंग। लोकसभा से विपक्ष दो और सांसद संस्थे, हंगामे की वजह से अब तक 143 पर कार्रवाई। हुकुमचंद मिल मजदूरों में खुशी की लहर, 464 करोड़ की बकाया राशि मिलेगी, सीएम मोहन यादव ने दी मंजूरी। जनता के साथ भाई बहन का नाता, सीएम मोहन यादव बोले मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। सेशन कोर्ट से राणा दंपति को झटका, हनुमान चालीसा मामले में अदालत ने याचिका ठुकराई। बीजेपी लाचारी, गरीबी और गुलामी लाना चाहती है, बोले कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया। शीतलहर से दिल्ली समेत कई राज्यों में और गिरेगा पारा, बारिश ने ली 10 की जान। प्रेमिका का बदला, ब्रेकअप किया तो फंसाने के लिए खुद सहेली पर डाला तेजा। मध्य प्रदेश जीतू पटवारी के महाकाल दर्शन के दौरान गाली गलौज, कांग्रेसियों पर एफआईआर। हरियाणा में हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई तीव्रता। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, कोलोराडो कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया। बिहार बेगूसराय में शराब माफिया ने 2 पुलिसकर्मियों को कुचला, दरोगा की मौत। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिलों के स्कूल और कॉलेज में थूथुकुड़ी में छुट्टी घोषित। चीन के गांसू प्रांत में आए भूकंप से मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 131 लोगों की मौत। बुजुर्ग विधवा के साथ हैवानियत, किडनैप कर 3 लोगों ने किया गैंगरेप, चेहरे सिर गुप्तांगों पर हथौड़ी से मारा। महाराष्ट्र के शनेश्वर मंदिर में भ्रष्टाचार की जांच के आदेश, डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। टीएमसी के 10 सांसदों के साथ पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी, बोली हमारा पैसा 110 दिनों से रुका हुआ है। सीएम भजनलाल ने काफिला रोक कर बनाई चाय, दुकानदार ने कहा जैसे शबरी के यहाँ आए राम। संगीत सेरेमनी में अक्षय की बाहों में खोई नजर आई इशकबाज, फेम एक्ट्रेस रेनू पारेख, वायरल हुई तस्वीर। केपी एक्सप्रेस में इतना ही, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।